हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज और मैं हूं सरमय प्रकाश। आपका स्वागत करता हूं जनवरी 2019 के रोजगार समाचार में। इसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी इम्प्लॉयमेंट न्यूज का कंटेंट शामिल है जो कि जनवरी फर्स्ट वीक का है और 15 विभागों की वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन है इसमें। हाँ, यहाँ हर विभाग की जो डिटेल है वैकेंसी की वो मैंने शॉर्ट में दी है। डिटेल देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है उसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं रोजगार समाचार का ताज़ा एपिसोड। पहली इन्फॉर्मेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से है, यानी RRBs से। ये 14,033 पद है जूनियर इंजीनियर DMS और CMA के। इसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए बीटेक या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन। इनमें से कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में नीचे देख लेना। एज लिमिट 18 to 33 ईयर्स है एज ऑन 1 जनवरी 2019 के आधार पर 18 से 33 साल होने चाहिए और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए एज में छूट है। लास्ट डेट है 31 जनवरी 2019। एग्जामिनेशन फी जो है वो 500 रुपये है और सैलरी मिलेगी भर्ती होने के बाद 35,400 रुपये पर मंथ। फॉर्म ऑफलाइन भरना होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भर्ती हो रही है RPF से, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। ये 789 कांस्टेबल के पद हैं। इसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी किया था लेकिन मुझे लगा कि फिर से कर देना चाहिए क्योंकि अभी डेट काफ़ी है, 1 जनवरी से इसका फॉर्म भरा जाएगा। एलिजिबिलिटी 10th पास है, एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स है। अप्लाई करने का डेट मैंने बताया 1 जनवरी से 30 जनवरी है। एग्जामिनेशन फी 250 से 500 रुपये के बीच में है और सैलरी मिलेगी भर्ती होने के बाद 19,900 रुपये से लेकर 21,700 रुपये पर मंथ। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जो भर्ती है वो कलकत्ता हाई कोर्ट से है। यहाँ 200 पद हैं लोअर डिवीजन असिस्टेंट के, LDA के। एलिजिबिलिटी यानी योग्यता 12th पास होनी चाहिए। एज लिमिट 18 to 40 ईयर्स है। लास्ट डेट 19th जनवरी 2019 है। एग्जामिनेशन फी 250 से 500 रुपये के बीच में है और सैलरी मिलेगी भर्ती होने के बाद 5400 रुपये से लेकर 25,200 रुपये पर मंथ। फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा। नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं, अगली भर्ती है UPPSC से, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से। यहाँ 17 पद हैं असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के, APO के। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए लॉ डिग्री। एज लिमिट 21 से 40 साल है। लास्ट डेट है इसका 28 जनवरी 2019। एग्जामिनेशन फी 25 रुपये से लेकर 125 रुपये के बीच में है और फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। अगली जो भर्ती है वो इंडियन एयरफोर्स से है। ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई एयरमैन के लिए भर्ती चल रही है। योग्यता 12th या डिप्लोमा होनी चाहिए। इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपका जन्म होना चाहिए 19 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच में। अप्लाई करने का जो डेट है वो 2 से 21 जनवरी 2019 है। एग्जामिनेशन फी 250 रुपये है सभी कैंडिडेट्स के लिए और सैलरी मिलेगी भर्ती होने के बाद 26,900 रुपये से लेकर 33,100 रुपये पर मंथ। फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली भर्ती JSSC से है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। यहाँ 518 एक्साइज कॉन्स्टेबल के पद हैं। एलिजिबिलिटी 10th पास होनी चाहिए। एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स है। लास्ट डेट है इसका 9th फरवरी 2019। एग्जामिनेशन फॉर्म का जो रेट है वो 200 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच में है और सैलरी मिलेगी भर्ती होने के बाद 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये पर मंथ। फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये है ESIC वेस्ट बंगाल से। यहाँ स्टाफ नर्स, OT असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट वगैरह वगैरह पद हैं। टोटल 97। एलिजिबिलिटी 10th या 12th या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कोई भी हो तो आप संबंधित जो पद हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 37 साल है। मैं फिर बता दूं कि रिजर्व वालों के लिए छूट मिलेगी। लास्ट डेट 21 जनवरी 2019 है। एग्जामिनेशन फी 250 रुपये से 500 रुपये के बीच में होगा और सैलरी मिलेगी 19,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये पर मंथ। फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है। आगे बढ़ते हैं, अगली भर्ती सिक्किम यूनिवर्सिटी से है। 13 पद हैं लाइब्रेरियन, फार्मासिस्ट, लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड अदर्स। एलिजिबिलिटी 10th या 12th या ITI या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या
पीजी है। एज लिमिट मैक्सिमम 62 ईयर्स है, काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट डेट है इसका 15 जनवरी 2019। एग्जामिनेशन फी 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में है और सैलरी बताया गया है कि गुड सैलरी मिलेगी। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जो भर्ती है वो PGIMER, ये मेडिकल की बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, एम से भी ऊपर दर्जा है इसका, और ये है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यहाँ पद है 99, ग्रुप बी और ग्रुप सी के। एलिजिबिलिटी 10th या 12th या ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एज लिमिट 18 to 40 ईयर्स है। लास्ट डेट है इसका 8th जनवरी 2019। और फॉर्म जो है, एग्जामिनेशन फी जो है वो 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में है और सैलरी बताया गया है कि गुड सैलरी मिलेगी। फॉर्म इसका ऑनलाइन ही भरा जाएगा। देखिए, ज़्यादातर जो भी फॉर्म निकल रहे हैं वो सब ऑनलाइन ही भरे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला एम्स जोधपुर से है ये भर्ती, 37 DEO, LDC और UTC के। योग्यता 12th या ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स है। लास्ट डेट है इसका 27 जनवरी 2019। एग्जामिनेशन फी 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में है और सैलरी मिलेगी भर्ती होने के बाद 19,900 रुपये से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ। फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली भर्ती जो है HPSEB से है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। यहाँ 52 पद हैं जूनियर हेल्पर के। योग्यता मात्र 10th पास ही मांगी गई है। एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स है। लास्ट डेट है इसका 27 जनवरी 2019। एग्जामिनेशन फी 50 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में है और सैलरी मिलेगी भर्ती होने के बाद 7,500 रुपये पर मंथ। ये फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा, मतलब फॉर्म आपको भेजना होगा। अगली भर्ती ECIL से है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से। यहाँ काफ़ी पद हैं, 2100 यानी 2100 पद हैं। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर और जूनियर कंसल्टेंट फील्ड ऑपरेशन। एलिजिबिलिटी ITI या डिप्लोमा या BTEC होनी चाहिए। लास्ट डेट है इसका 5 जनवरी 2019। एग्जामिनेशन फी 200 रुपये है। अगली भर्ती इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से है, मथुरा में। यहाँ 68 पद हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के। एलिजिबिलिटी डिप्लोमा या ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एज लिमिट 18 to 26 ईयर्स है। लास्ट डेट है इसका 28 जनवरी 2019। एग्जामिनेशन फी 150 रुपये है और सैलरी मिलेगी भर्ती होने के बाद 11,900 रुपये से लेकर 32,000 रुपये पर मंथ। फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन है वेस्ट सेंट्रल रेलवे से। यहाँ 1273 पद हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप के। एलिजिबिलिटी 10th+ ITI होनी चाहिए। एज लिमिट 15 to 24 ईयर्स है। लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने के लिए 23 जनवरी 2019 और फी लगेगा 70 रुपये से लेकर 170 रुपये। ओके, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नॉर्दर्न रेलवे से इन्फॉर्मेशन है 1092 अप्रेंटिसशिप के ये पद हैं। एलिजिबिलिटी 10th+ ITI पास होने चाहिए आप। एज लिमिट 15 to 24 ईयर्स है, बहुत कम है। लास्ट डेट इसका 31 जनवरी 2019। एग्जामिनेशन फी 100 रुपीज़ होगा और इसका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके काम का लगा हो तो आप लाइक तो ज़रूर करें, साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें इस वीडियो को। और हाँ, अगर आप पिछले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेक करें, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा ऑल करेंट गवर्नमेंट जॉब्स का। अब रोजगार समाचार का अगला वीडियो संडे की रात 8 बजे आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।